हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू ईवी एक्सपो, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे स्टॉल पर जो ई रिक्शा मैन्युफैक्चर करते हैं और इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आपकी पहले से ही इस तरह का कोई बिज़नेस है उसमें नया सेगमेंट ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो, आई एम फाइन। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर। सो माय नेम इज़ जतिन गर्ग एंड आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ सिटी ग्रीन नॉर्थन पेट्रोकेमिकल्स। वी आर फ्रॉम 2013 इन दिस फील्ड एंड वी आर रनिंग ऑन द पैन इंडिया बेसिस एंड वी विल लाइक टू इनवाइट डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया टू जॉइन अस। आपके ऑफिसेज कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर है? वी आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम हरियाणा भादुगढ़ and we are Delhi based company. We have a unit in Delhi as well in Tikri. Achha. And in Bhadugad we have in Sapla. तो आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहाँ पर ई रिक्शा मैन्युफैक्चर करते हैं और क्या क्या करते हैं? ई रिक्शा ई लोडर्स फॉर द कैरेज, गुड कैरेज एंड वी कस्टमाइज एज पर द कंज्यूमर डिमांड। इट इज़ अ लोअर कैटेगरी, इट इज़ पास्ड इन L3 लेड एसिड बैटरीज। यहाँ पर जैसे अगर आपने प्रोडक्ट काफ़ी शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं, जैसे इसकी बात करें सर, इसकी खासियत के बारे में बता सकते हैं? इट इज़ अ फुल स्टील बॉडी सर, इट नॉट गेट रस्टेड बाय द रेन, इस पर रस्टिंग नहीं आएगी कभी और इट शाइन्स। स्टील बॉडी है या इट्स अ स्टील बॉडी, यू कैन लुक एट इट, इट्स अ फुल स्टील बॉडी। सर जैसे आपने ये स्टील बॉडी रखा है, कई लोग यहाँ पर माइल्ड स्टील रख रहे हैं, क्या एक फ़र्क क्या पड़ जाता है? सर माइल्ड स्टील थोड़ा सा हल्का आता है सर, इट्स अ फुल स्टील बॉडी, इट्स अ हैवी स्टील। माइल्ड स्टील जो होता है सर उसमें थोड़ा बहुत रस्टिंग आना शुरू हो जाता है विद द नंबर ऑफ टाइम, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये है कि रस्टिंग पर्पज़ के लिए भी और लुक भी लुक वाइज शाइनिंग रहता है इसमें। पेंट की क्या होता है कि थोड़े टाइम में बारिश की वजह से पेंट ढह जाता है, डल हो जाता है। अच्छा। तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, तो उसमें कॉस्टिंग पे भी तो ऑफ कोर्स कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ता है सर, स्टील एंड आयरन। हाँ, जैसे अगर बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी की, क्या है? तो इसमें बैटरी की कैपेसिटी सर 130 एम्पीयर की बैटरी है जो माइलेज आपको 100 किलोमीटर प्लस दे देती है। अच्छा। एंड मोटर जो हम यूज़ करते हैं वो 1000 वाट्स की मोटर यूज़ होती है। क्या एक चार्जिंग टाइम क्या रहता है सर? चार्जिंग टाइम जो इसमें लगता है 8 घंटे का लगता है सर, और जो चार्जर्स अवेलेबल हैं सर वो एक्ज्यूम, UTL और ईस्टमैन के हैं। लाइफ क्या रहती है एक बैटरी की? सर बैटरी की लाइफ 1 ईयर की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो बैटरी होती है वो नियर अबाउट 15 मंथ्स चल जाती है। किस तरह की बैटरी आप यूज़ करते हैं? सर लेड एसिड बैटरीज यूज़ होती हैं। अच्छा। जो कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं वो ईस्टमैन, ओकाया, लिफगार्ड एंड टब्बुल। अच्छा, ये जैसे अलग अलग कंपनीज आप उनसे लेके इसमें असेंबल कर देते हैं। अच्छा, और जैसे अगर लोड कैपेसिटी की बात करें, क्या एक लोड कैपेसिटी क्या है? सर पैसेंजर व्हीकल्स में सर 4+1 होता है सर, पीछे 4 बंदे बैठते हैं और ड्राइवर आगे चलाता है, तो इसमें नियर अबाउट 500 किलो का वेट कैरी किया जा सकता है। तो लोड कैपेसिटी अगर फुल लोड में कितना एवरेज देने वाला है? सर एवरेज सर ये नियर अबाउट 100 किलोमीटर, 90 to 100 किलोमीटर चलती है सर फुल लोड में। ये है कि भर दिन अपना चला सकते हैं जो ले रहे। एक बंदा जो रिक्शे वाला है वो पूरे दिन में अपना 1000 रुपये निकाल सकता है आराम से। तो सर जैसे अगर प्राइसिंग की बात करें, क्या एक प्राइसिंग क्या है? सर डीलर प्राइस इसके लिए हमने कोट किया हुआ 1.25 प्लस है, 1.25 लाख है, और एज़ पर द गुड्स और एज़ पर द क्वान्टिटी वो वेरी किया जा सकता है सर। तो इस पर सब्सिडी भी होती है क्या सर? सर सब्सिडी सर स्टेट वाइज वेरी करती है, अभी दिल्ली में सब्सिडी है, कंज्यूमर को सब्सिडी मिलती है। अच्छा। और अभी हरियाणा में भी कुछ सुनने में आया है कि सब्सिडी अवेलेबल हैं कुछ। अच्छा। अभी पॉलिसी आने वाली है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के सर, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से की तरफ से मिलती है। दिल्ली में तो जैसे 30,000 पर रिक्शा व्हीकल को वाले को मिलता है, और लिथियम अभी आया नहीं है हमारे पास, हम लिथियम में भी जल्दी एक्सपेंड करेंगे इन फ्यूचर। तो क्या अगर सब्सिडी मिला दे तो क्या एक कॉस्टिंग क्या पड़ जाएगी सर? तो सब्सिडी कस्टमर के अकाउंट में आएगी, जैसे अगर ये वो 1.30 की ये डीलर प्राइस को है, कस्टमर को ये डीलर बेचेगा, डीलर के अकाउंट में 30,000 आ जाएंगे, तो उसको 30,000 लेस हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात करें तो इसकी बात करते हैं सर, ये 1.10 का है डीलर प्राइस के लिए, और इसमें भी सब्सिडी मिलेगा सर उसको, तो फाइनेंसिंग भी अवेलेबल हो ही जाता है आजकल। तो बॉडी किस टाइप की? सर ये बॉडी इसमें आयरन की है, हाफ स्टील है सर ये, यहाँ से देखें तो हम इसमें ये स्टील की है जिसकी वजह से शाइन आता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने ये दोनों को मिलाया है? हाँ, ये फ्यूजन किया हुआ है बेसिकली। फ्यूजन किया हुआ है। हाँ जी। तो कितना अलग है इससे?
अलग है सर, ये शाइनिंग करता है, कलर और इसका कॉम्बिनेशन बनता है तो इसमें अलग ही शाइन आता है। तो स्ट्रक्चर में या बैटरी परफॉर्मेंस में सब वो सब इक्वल है, खाली इसमें फ्यूजन किया हुआ है कि कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन सेम रहे, उसका फ्यूजन आए और अच्छा लगे। अच्छा, जैसे अगर सर वेट की बात करें, चेसिस की वेट क्या होगा और पूरा ओवरऑल चेसिस का वेट? ये सर, ये ओवरऑल रिक्शा का जो वेट रहता है विदाउट बैटरी, ये 125 किलो की रहती है। और जो चेसी का वेट होता है नियर अबाउट 45 to 50 किलोज वेरी करता है। तो सर ये आप किस तरह के टायर्स इसमें यूज़ करते हैं? सर टायर्स हमारी कंपनी के होते हैं, JK टायर्स अवेलेबल रहते हैं और C8 एंड TVS। अच्छा, और सारे पे लाइफ टाइम वारंटी होती है उनकी टायर्स की। अच्छा, और ये इसकी वारंटी क्या होती है सर? इसकी में वारंटी जो होती है चेसी बॉडी की जो वारंटी है 1 ईयर की रहती है, बैटरी की वारंटी जो होती है 1 साल की होती है, चार्जर की वारंटी 15 महीने की होती है, मोटर कंट्रोलर की वारंटी 6 महीने की होती है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग वारंटी, वो आपके डीलर हैंडल करेंगे? हाँ जी, डीलर्स हैंडल करेंगे, डीलर्स हमसे बात करें, बैटरी और चार्जर तो सीधा कंपनी को मिलेंगे एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हमारे थ्रू होंगी। इसके बारे कितने का पड़ेगा? सही है, 110 का है। 110 बैटरी सही? हाँ जी। बैटरी क्या? 1 ईयर। इसके बारे में बताएंगे सर? ये गुड्स कैरेज के लिए है सर, ये गुड्स कैरेज के लिए है, ये 600 किलोस का वेट कैरी कर लेता है, इसकी भी माइलेज 80 to 100 किलोमीटर्स रहती है। ये बेसिकली आजकल जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होती हैं जिनके लिए कैरी करने के लिए बहुत इजी रहता है। तो क्या एक अगर फुल लोड कैपेसिटी में देखें, क्या एवरेज कैपेसिटी सर इसकी 600 किलोस के नियर अबाउट है और ये एवरेज वही 90 to 100 किलोमीटर्स की एवरेज देगा। 90 to 100 किलोमीटर, वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ सर, इसमें बैटरी कैपेसिटी और मोटर कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा। उसमें जो हमने जो पहले मॉडल्स देखे हैं उसमें 1000 किलोवाट की मोटर है। अच्छा। इसमें 1200 किलोवाट की मोटर है। और बैटरी कौन सा यूज़ किया? बैटरी इसमें वही है जो बैटरी उसमें है। अच्छा, लेड एसिड। सर जैसे इसमें लेड एसिड बैटरी आप यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे बैग्स हैं उसमें यूज़ होते हैं लिथियम आयरन या लिथियम फॉस्फेट बैटरी। लिथियम बैटरी बेसिकली आ रही है मार्केट में, अभी मार्केट कैप्चर धीरे धीरे कर रही है, स्टार्टिंग है अभी उसकी। अच्छा। तो विद इन टाइम वो भी आएगी। अच्छा, आप भी शिफ्ट होंगे? ऑफ कोर्स हम भी शिफ्ट होंगे जैसे गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करेगी या जो अभी बातचीत चल रही है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है अभी, तो जो भी कॉस्टिंग का इशू आएगा तो सीधा पॉकेट पे पड़ेगा डीलर्स के। अच्छा। तो वो है कि कॉस्टिंग का फर्क पड़ जाता है बैटरी में? अच्छा, कितना? डबल का, ऑलमोस्ट डबल। अभी तो ये मतलब अफोर्डेबल है कि अगर जो भी इस तरह के रिक्शा चलाने वाले हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं? अभी एक बैटरी की कॉस्ट नियर अबाउट 35,000 आती है लेड एसिड। अच्छा। और अगर हम इसकी बात करें लिथियम की तो नियर अबाउट वो सीधा 85,000 की आती है। अच्छा। इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है? हाँ सर, ये थोड़ा आयरन बॉडी है, ये इसमें कोई फ्यूजन नहीं है, बस इसमें कलर फ्यूजन है। अच्छा। इसकी वजह से ये थोड़ा अट्रैक्टिव पीस है और इसकी कॉस्ट थोड़ी डाउन हो जाती है क्योंकि इसमें स्टील नहीं लगा। क्या पड़ जाती है इसकी? सर कॉस्ट है 1.08 लाख डीलर प्राइस। सो यहाँ पर आपने स्टील बॉडी में लगाया हो, स्टील और यहाँ पर आयरन को फ्यूज़ किया है और ये फुली आयरन बनाए, मतलब ये है कि जो भी जिस भी एवरेज में आ रहे हैं, बजट में आ रहे हैं, उनको आप दे के भेजोगे? और इसकी फिर जो जैसे एवरेज की बात करें किस तरह? वो सब कुछ सेम है सर जैसे पहले बताया है। अच्छा। 80 to 100 किलोमीटर्स की माइलेज रहेगी और मोटर हमारे 1000 किलोवाट्स की दिखाई है। अच्छा। जो वारंटी है वो सेम है जो पहले बताई गई है, तो सारा अभी सेम ही है। तो यहाँ पर है कि अलग अलग बजट में आपको अलग अलग टाइप की, जिस भी टाइप की आप लेना चाहो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर बिजनेस की, बिजनेस आप किस तरह से करते हैं सर? सर बिजनेस सारा जो भी होता है एडवांस पेमेंट टर्म्स पे होता है, जो भी होता है वो पहले एग्रीमेंट्स बनता है, ट्रायल एग्रीमेंट बनता है, फाइनेंसिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है हमारे पास। अच्छा। तो उसके लिए एग्रीमेंट्स बनते हैं, LOI बनता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के थ्रू, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, वहाँ से टर्म TC लिया जाता है, ट्रेड सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसके बाद वो पासिंग की जाती है, हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है विद इन जिस स्टेट में वो पास होनी है उसके अकॉर्डिंग। जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी आप बनाते हैं सब सर्टिफाइड है? हाँ जी, सर्टिफाइड है, ये आईकैट से सर्टिफाइड है, CIRT से सर्टिफाइड है हमारे सारे प्रोडक्ट्स, हम आईकैट प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं और वही असेंबल करते हैं। तो आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं? हाँ जी, हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में काम करते हैं। कुछ क्राइटेरिया रहता है? नहीं सर, कोई क्राइटेरिया नहीं है, डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर चैनल को कितना प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। बेसिकली हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमने नहीं रखी है, खाली अभी हमने जुड़ने के लिए उनसे काम करना चाह रहे हैं कि पहले वो स्टार्ट करें, अगर वो फिजिबल लगता है, उनको सर्विसेज अच्छी लगती हैं, प्रोडक्ट अच्छा लगता है,
तो वो हमसे फिर आगे जुड़े। प्रोडक्ट पे क्या एक जैसे अगर बात करें सर्विसेज की, वारंटी की, आफ्टर सेल सर्विसेज की क्या रहते हैं? सर आफ्टर सेल सर्विसेज तो हमने जो वारंटी बताई है वो हमारी तरफ से रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम किसी प्रोडक्ट में आता है तो हम अपना स्टाफ वहाँ पे सर्विस के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पे वो उसको करेक्ट करके आता है जो भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट्स में या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने में इंटरेस्टेड है कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे? सर मेरा नंबर ले सकते हैं आप, मेरी ईमेल आईडी होगी, इस नंबर पे, इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। किसी भी तरह के बिजनेस इंक्वायरीज है आप कर सकते हैं, यहाँ पर सारे सवालों का जवाब आपको दिए जाएंगे, प्रॉपर जवाब दिए जाएंगे। और सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सर एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको, आपको अच्छे हमें अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे तो हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, आपको हमेशा सेटिस्फाई करके रखेंगे सर। चलिए सर, थैंक यू, बात करने के लिए धन्यवाद।